बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु, तो तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पीके। दोस्तों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर एक ऐसे देहात मौजूद हाँ जिथे कि तुम देख रहे हो मेरे नाल एक बाबा जी होरी मौजूद ने। तो अज इन्हां कोलों असीं पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की हिस्टरी के बारे मालूमात लवेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करना कि तुहानू वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो तुहानू पसंद आए तो तुसी मेरे चैनल सबसक्राइब करना, बैल आइकन क्लिक करना, ताकि हर एक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक बार वक्त पहुँच सके। तो आओ करने असीं अपनी वीडियो का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की नाम है तुहाडा? अब्दुल सार। बाबा जी तुहाडी तारीख पैदाइश की है? सन 1935। अच्छा, तुसी ये दसो भी जिसले पाकिस्तान बनया है उसले तुहाडी कितनी उम्र सी? उस वे मेरी 12-13 साल उम्र थी। अच्छा, ये तुसी दसो तुसी हिंदुस्तान च केड़े ज़िले च पैदा हुए? ज़िले च? हाँ जी, ज़िला तहसील सनाम रियासत पटियाला। अच्छा, ये दसो भी वो जेड़े तुसी पिंड विच रहिंदे सी उस पिंड दा नाम की सी? उस पिंड शहर था जी, गागा लहरा। गागा लहरा शहर? जी हाँ, शहर था। अच्छा, ओदे नाल नाल केड़े केड़े पिंड सी उन्हां दे नाल? ओदे नाल सी जमार आला, हाँ जी, ते गागा, ये पिंड नाल नाल थे। अच्छा, ये दसो भी तुसी पढ़े लिखे भी हो? ना, 5 जमात पास हां। उत्थे हिंदुस्तान च पढ़े सी? ना ना, ओरे पाकिस्तान च पढ़े। उत्थे कोई नहीं पढ़े? ना, साल च 2 जमात। अच्छा, एक साल च 2 जमात। अच्छा, जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान ये दोनों का बंटवारा होया, हाँ हाँ, उहदे बारे तुसी साडे नादरी नूं दसो भी किस तरह होया, किनियां किनियां तुहानूं मुश्किलात आईयां, किवें किवें तुसी उत्थे परेशान होए हो? जिस तरह जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होया, साडे कोल जनाब मियांवाली दे किराड़ गए थे। अच्छा, समझ आ गई। वो साडे असी उत्थे वसदे थे, पहले ही वगे थे। अच्छा, समझ आ गई। फिर उन्हां दा मशवरा होया रात नूं मंडी च, क्योंकि शहर था, मंडी च उन्हां दा मशवरा होया भी सुबह इस शहर नूं कतल कर देना। अच्छा, हाँ जी। एक दोस्त था बामण, उसने भी गां दी पूंछ फड़ी थी, गां दी पूंछ फड़ के कसम चाई थी, मगर उसने मेरे भाई जेड़ा चचाजाद भाई था उस दे नाल उहदी दोस्ती थी। वो 2 दफ़ा आया वापस चला गया, तीसरी दफ़ा आके कहन लगा तू मेरा दोस्त है, वजह आ कि मैं तेनू दोस्ती की बिना पर कसम तोड़ रहा, तेनू दस रहा, वजह कि रातों रात निकल जो जो निकले हो, समझ जाएगी। असी रात नू कम अज कम 8-10 आदमी थे, 3 असी हम उम्र थे, अब्दुल सार वल्द नियाज मोहम्मद, हाँ जी, जमील वल्द नियाज मोहम्मद, एक मैं, असी 3 बच्चे थे उस वक्त। करीबन असी रात दे 1-1.5 बजे उथों निकले हैं। तुसी अकेले निकले हैं, तुहाडे नाल बाकी फैमिली भी सी? ना 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 ना, आदमी आदमी। अच्छा, और तो कोई नहीं थी, असी 10-12 आदमी थे और बाकी असी 3 बच्चे थे, औरत तो कोई नहीं थी, फैमिली फूमली साडे नाल कोई नहीं थी। करीबन असी उथों जी उरे ते मखदूमपुर 2 मील है 2.5 मील, इतनी दूर गए हैं क्योंकि कच्चियां सड़कां थी, सड़कां च मोड़ थे। अच्छा, मोड़ दे अंदर सिखा ने नारा मारिया, नारा मारा वाहगुरू जी दी फतेह, नारा भी ये मारिया उन्होंने, समझ आ गई। सानू पता लगे भी खाली हथे पल्ले तो कोई शय नहीं, टिब्बे पर गुआरा और बाजरा बीजा खड़ा था, समझ आ गई। उन्होंने चक के सानू भी गुआरे और बाजरे फेंक दिया, चक के, क्योंकि नीवी थी सड़क, उपर फेंक दिया। असी अरकों के बाहर कनाल 1.5 कनाल अगे गए, वो आदमी भी उस तरीके, जब वो टप गए फिर असी सफ़र करे अगे, सूरज निकलदे नू असी दरियाए गागर पर पहुँच गए। अच्छा, दरियाए गागर मंडवी दे, मंडवी उपर है बिल्कुल उपर दरियाए गागर दे, हैं, उत्थे रात कट्टी, सुबह उत्थों असी सफ़र करा। रस्ते च एक गाँव आया, असी जाना था रेवर नू, रस्ते च एक गाँव आया, सड़क दे एक पासे मतलब कुआं था, एक पासे गांव था, बच्चियां पानी भर रही, ये तस्याए थे, सारे बोले भी पानी पीवांगे। जब तो पानी पीने की ख्वाहिश करी, वो बच्चियां ने शोर पा दिया भी मुसलमान चढ़ के आ गए। वो बच्चियां हिंदुआं दी सी? हिंदुआं दी थी। उन्होंने भांडे बर्तन छड़े, वो डोल भी छड़िया और जना मन पिंड नूं वड़ गई, पिंड सारा सोटे लेके निकल आया। एक बूढ़ा आदमी कहन लगा ठहरो लड़ो नहीं,
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਓਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧੱਸਿਆ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ ਛੋਰੀਆਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੱਗੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਰਿਓਰ ਵੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਓਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੇਵਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਨਾਬ ਮਨ ਖਰਕੇ ਖਰਕਾ ਇੱਕ ਮੌਜਾ ਥਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਖਾਏ ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਥਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਦਾਣੇ ਵੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਚੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਲਦਾਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਗਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਥਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਨ ਸਿਉਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਤਨੇ ਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ ਥੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭੋਗੀ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਕੈਥਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਰੁਲਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਦੀ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਜਾ ਥਾ ਲੇਲ ਮੌਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੇਲ ਲੇਲਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮੌਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਲੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਪਰ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣੀਏ ਥੇ ਕਿਰਾੜ ਹਾਂ ਕਿਰਾੜ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਏ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਟੇ ਪਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਘਰ ਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲੀ ਭਰਿਆਈ ਕੁਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਥੇ ਮਗਰ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਕਿਰਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾੜਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਆਉਣਾ ਤੈਂ ਵੀ ਸੋਟੀ ਕਿਰਾੜ ਦੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਟੀ ਕਿਰਾੜ ਦੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾੜ ਐਸੇ ਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਦਨ ਹੀ ਘਾਟੀਆ ਮਦਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾ ਘਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸਨੇ ਕੋਟੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੋਹ ਥਾ ਚਾਰ ਕੋਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਣੀਏ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਲੜਾਕੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਥਲ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਥਨੇਸਰ ਅੱਛਾ ਥਨੇਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੱਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਰ ਰੱਖੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਗੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਰ ਰੱਖੀਆਂ 18 ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੇ 18 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਏ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਪਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਥੇ 18 ਸੂਬਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ 18 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਥਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਥੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇ ਤੋਪ ਥੀ ਕੇ ਥੀ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ
उन्होंने जेड़े थे वो फौजी उन्होंने कहा खबरदार कोई आदमी नीचे उतरिया, नीचे नहीं उतरना, पानी नहीं पीना क्योंकि इन्होंने जहर पा रखा, पानी नहीं पीना। और लकड़ा फिर फौजिया ने रल के समझ आ गई बाहर करिया। वो जिहड़ा ड्राइवर था वो ट्रेन की लाइन दे अगू रखी, ट्रेन की लाइन दे अगू, अच्छा मोटे मोटे लकड़ समझ अखा नाल देखे हैं। अच्छा वो फिर अगे गए रखी थे, वो फिर फौजिया ने परा करे, जब फौजिया ने परा करे जना आवे मन, फिर वो ड्राइवर जोड़ा था वो कहा जी इंजन बिगड़ गया, मकसद वह था कि इस गड्डी कतल कर दिया जाए, समझ आ गई। अच्छा तुम ये दसो भी जो तुम उत्थे हिंदुस्तान च रेंदे सी जी, उस वक्त थोड़ी उत्थे कोई जदाद रकबा है सी? ये बिना रकबे उ के मिल गया सू, नहीं मतलब जितना उत्थे है सी उतना इतने मिले ना, 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 ना। अच्छा उत्थे किस्सा मिला सू? अच्छा जो तुम उतो हिंदुस्तान चो इधर आए हो, हाँ सब तो पहले तुम कि इलाके आए थे पाकिस्तान के? खानेवाल। खानेवाल हाँ, साढ़े नाल के मियाँ भी बगे थे। अच्छा मियाँ तो फिर मुल्तान आए, मुल्तान से फिर खानेवाल आए, फिर असी तो सीधे आके उरे खानेवाल उतरे। लाहौर उस वक्त खाली था, असी कोई नहीं, खानेवाल खाली था, स्टेशन और था इब तो परा बन रहा, स्टेशन और था उरले पास कख नहीं था, कोई शह नहीं थी, टिब्बे थे। अच्छा उस दौर करंसी चलती सी, पैसे कि चलते सी हिंदुस्तान के दौर च? हिंदुस्तान के पैसे ने कि जेड़े पैसे चले थे इतने पैसे चलने थे, और इतने साढ़े पाकिस्तान आके रुपया चल रहा, हाँ हाँ कागजी नोट चल रहे हैं, हाँ उत्थे कि चलते सी? उत्थे मसूरी भी था, पैसा भी था, समझ आ गई, टका भी था, आना भी था, दुआनी भी थी, चवानी अठानी थी। नहीं नहीं को दस देने को मलकां दे रुपये होंदे सी, मलकां दे रुपये पहले, वो पहले, वो पहले थे, मलकां मुलकां दा कोई रुपया नहीं था। अच्छा तुसी उत्थे अपने शहर दे उत्थे तुहाडे शहर च की निज़ाम सी, यानी नंबरदारी निज़ाम सी, जैलदारी निज़ाम? जैलदार भी थे। अच्छा हाँ साढ़े कुनबे चो जैलदार भी था, नंबरदारी भी साड़ी अज भी है, पहला भी थी। अच्छा उत्थे जैलदारी भी इस तरीके मिली सानू, समझ आ गई, अंग्रेज आ गया, तिलक राम बाणिया एक अगर था, बहुत रईस था, बहुत रईस, उसने कहा इन्हें मुसलमानों को दो, इन्हों का क्या चार तो ही आदमी है, इन्हों का क्या साढ़े जी गरियाड़ गिन लो, रईस गिन लो, या वो है वह अंग्रेज़ को कहन लगे। अंग्रेज जिस वक्त उन्होंने मशवरा दिया भी असी सोचे भी जैलदारी तो सानू नहीं मिलती, तिलक राम बाणिया ने कहा इन्हों का क्या है जी, कहना इतना चोर है, हैं लोगों का माल लुट के खा के अरब ना थोप दी आदम कर दे, कर दे कख है नहीं, हैं अंग्रेज ने सोचा जे मैनू गर्ज पैगी है तई लोगों लुट के तो मेरा पूरा कर देंगे, तू मैनू के देगा, जाओ जैलदार कंदू खां जैलदार। अच्छा जिस तरह साढ़े पाकिस्तान अजक सैलाब आता है, उत्थे हिंदुस्तान केड़े दरिया से तो उत्थे भी सैलाब आता सी? ना उत्थे साढ़े कोई सैलाब नहीं, सैलाब आवे था परे दरिया गागर चढ़े था, मंडवी गलाड इन्ह इलाकों साढ़े को, साढ़ा तो नहरी इलाका था। अच्छा उत्थे ज़्यादातर कि फसल काश्त हों साढ़े? हाँ साढ़े हर चीज़ फसल होई थी, मक्की होई थी, कमाद होए था, कणक होई थी, कपाह होए थी, हर चीज़ होई थी, साढ़े साढ़े नहर थी। उत्थे कोई तुसी शहर की या पिंड की कोई शादी जो होंगी सी उदा कोई वाकया वगैरह कोई वो सुना दो? शादी हाँ शादियाँ यानी इतने जिस तरह होंगे ने उत्थे किस तरह होंगे? उत्थे भी इस तरह शादियाँ हुई थी, और शादियाँ देखो रंग बटा या ढोल टमके है? नहीं मैं सुनया कि उत्थे शादियाँ होंगे सी ना जो बरात वगैरह आती सी वो अठ अठ दिन रह जाते सी? तीन तीन दिन, अठ आला झूठा, तीन दिन, तीन दिन रहे थे, समझ आएगी। फिर उरे कुछ होर खुराक आ, उत्थे कुछ होर खुराक थी, उत्थे चौल उबाले, उपर बूरा पाया, उपर ते घी पा दिया, तू पाइया की खाने वाला पाइया पवाला, असर खाने वाला असर पवाला, फिर खाने वाला फिर पवाला। अच्छा जी तुम पाकिस्तान च आए जे, हाँ फिर तेन इतने आके कि तकलीफा हुई ने, गौरमेंट ने कि सपोर्ट किया? गौरमेंट ने सू सपेट करना जेडे उरे से लुट के अपने घर बैठ गए, असी तो उरे मेथा तोड़ के, मेथरा नहीं हों, हाँ जी ये तोड़ के आटा पा के उस कुट के लूण पा के खाते रहे हैं, किसी ने मदद करी है सा, किसी ने नहीं करी सिवाय अल्लाह से। अच्छा असी यह सुनया भी जो उतो उजाड़ा पिया ना इधर मुसलमान आए ने तो रस्ते यही दुआ मांगते सी अल्लाह ताला सानू खैर खैरियत नाल पाकिस्तान लै जा, तो असी पांच वक्त नमाज पढ़ांगे तेरी मन्नांगे, वो गल्लां बातां जिहड़ियां सी हुण अज दे दौर च सानू नज़र नहीं आ रही, इहदी की वजह? इहदी वजह आ कि खाण दे खाण पीण लगे जद मुसीबत थी, जद मुसीबत थी
वह क्यामत सुगरा थी, समझ आ गई। उस वक्त डर डर अगे तो भूत नचे, समझ आ गई। अच्छा तुसी हिंदुस्तान च इत्थे पाकिस्तान च आ गए जी, कुछ हालात इत्थे सुधरे ठीक हो गए, फिर तुहानू की पता चलिया भी तुहाडे किहड़े किहड़े दोस्त जिहड़े उत्थे मारे गए ने, कोई बच गए ने, किसे नाल राबता कोई तल्लक? मेरा हकीकी ताया मारिया गया। अच्छा हाँ, होर दस। उस पिंड दे तां बहुत मारे गए, आ जिहड़े नूं पुछण गए थे इहदा बाप मारिया गया अद्धी हसन दा। अच्छा हैं, इहदा चाचे मारे गए हैं, उत्थे छड्डे कुछ नहीं है। ये ऐसे उछाल के ना बच्चे मासूम नू इस तरह उछाल के हेठ बरछा करते थे। अच्छा हाँ, को थोड़े जुल्म करे हैं, असी मुसीबत कट के आए हैं, समझ आ गई। सानू पता कि जिन्होंने मुसीबत कटिया है इन्ह लोगों को पता, ही तो बैठे बातें मार रहे हैं है? अच्छा तुसी आखिर ते साड़ी आज दी जिहड़ी नसल है जमीन नवी जनरेशन इहनू की पैगाम दोगे भी वह हालात जिहड़े तुसी देखे ने उहदे बारे नाल तुसी की पैगाम दोगे? असीं इहनां नूं यही कहने आ भी अपनी माजी नूं ना भुलो, समझ आ गई। माजी नूं ना भुलो, हाल नूं देखो या मुस्तकबिल नूं देखो, माजी नूं ना भुलो। बाबा जी तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसी सानूं टाइम दित्ता। ते नाजरीन मैं उम्मीद करना कि तुहानू अज्ज दी वीडियो पसंद आएगी। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु नूं दिओ इजाजत, मिलांगे नैक्सट वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।